सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर करूंगी रिलेटेड टू फ्री अप ऐप। आप लोगों को बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन्स हैं कि इसमें हम लोग को पैकेजिंग कैसे करनी है, इसमें हमारे जो कॉइन्स हैं क्या वो एक्सपायर हो जाते हैं, एंड अगर हम इसको किसी को रेफर करेंगे तो हमें कितना मतलब बेनिफिट होगा, कितने कॉइन्स मिलेंगे। बहुत सारे कन्फ्यूजन हैं कि इसके ऊपर हमें सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है, एंड अब हम इसमें रुपीज़ में कब सेल कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दूंगी इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं शॉपिंग के इसके ऊपर। देखो, दो तरीके से शॉपिंग कर सकते हो, या तो आप कॉइन्स में शॉपिंग कर सकते हो या फिर रुपीज़ में कर सकते हो। ज़्यादातर लोग ना कॉइन्स में इसमें शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो लोग जब डाउनलोड करते हैं इसको तभी उनको 500 कॉइन्स मिलते हैं। एंड एक क्वेश्चन तो मैं आपका यहीं क्लियर कर दूं कि जब आपने किसी के रेफरल से डाउनलोड किया तो आपको 500 कॉइन्स तो इसके अंदर मिलते हैं रजिस्ट्रेशन के, उसके बाद आपको 20 एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर किसी के रेफरल से किया तो, ठीक है। तो सबके अकाउंट में जब आपने किया होगा डाउनलोड, आपको 520 कॉइन्स मिले होंगे, 500 रजिस्ट्रेशन के एंड 20 कॉइन्स आपके जिस किसी के रेफरल से आपने डाउनलोड किया तो, ठीक है, 20 कॉइन्स का बेनिफिट होता है। यहाँ पर जो आप प्रोडक्ट्स देख रहे हो, आपको बहुत सारे इसके अंदर वैरायटीज एंड कैटेगरीज दिख जाएंगी प्रोडक्ट्स की, जो आपको सिर्फ कॉइन्स में आप बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉइन्स में शॉपिंग करना चाहते हो तो कॉइन्स में कर सकते हो, रुपीज़ में करना चाहते हो शॉपिंग तो रुपीज़ में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। मेकअप प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं इसके अंदर जो आपको रुपीज़ में देखने को मिल जाएंगे, ऑल्सो कॉइन्स में भी देखने को मिल जाएंगे, एंड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यूज्ड ही सामान इसके ऊपर मिलता है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल न्यू विद टैग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ से कवर करूँ कि किसी ने पूछा था कि क्या इसके अंदर हमारे कॉइन्स जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके कस्टमर केयर पे मतलब कस्टमर सपोर्ट जो है वहाँ जाके बात की, मैंने उनसे मैंने पूछा कि कॉइन्स क्या हमारे एक्सपायर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आपको मिले होंगे कॉइन्स 500 कॉइन्स, और उसके बाद 14 डेज तक आपने कोई सेलिंग नहीं की, कोई बाय नहीं किया, तो आपके उसमें से 150 कॉइन्स जो है वो काट लिए जाएंगे। अगेन अगर आपने फिर से वैसे ही मतलब नहीं किया कोई शॉपिंग वगैरह, कुछ नहीं किया सेल, तो आपके 150 कॉइन्स ऐसे कर करके कट जाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कि मैंने उनसे बात किया था तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया था। उसके अलावा अगर आप लोगों को खुद इस पर बात करना है तो इनबॉक्स वाले सेक्शन पर जाना, ऊपर नीड हेल्प दिखेगा वहाँ जाना, यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेरीज दिखेंगे, हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, हाउ डू कॉइन्स वर्क, एंड कॉइन्स आप कैसे अर्न करोगे, पेमेंट कैसे करोगे सेलर को, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहीं खुद मिल जाता है, ठीक है। सो आप यहां से भी कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोगों को खुद जस्ट टाइप करके चैट सपोर्ट पे बात करना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी यहाँ से कि आपको कैसे बात करना है, ठीक है। सो आगे वीडियो को देखते रहो, आगे मैं एक क्लिप अटैच कर दूंगी ताकि आप लोग को बिल्कुल सही से समझ में आ जाए कि आप लोगों को कैसे इसके ऊपर बात करनी है चैट सपोर्ट पे। कुछ भी कन्फ्यूजन हो वहाँ जाके आप लिख दो, वो रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, एंड विद इन मिनट्स वो रिप्लाई करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ से मैंने खुद उनसे पूछा चैट सपोर्ट पे, डज फ्री अप कॉइन्स एक्सपायर, मतलब क्या फ्री अप कॉइन्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा, इफ़ यू डोंट पोस्ट और ग्रैब विद 14 डेज फ्रॉम योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे आपने ज्वाइन किया उसके 14 डेज के बाद आपने ना तो कुछ पोस्ट किया सामान सेल करने के लिए, ना तो कुछ बाय किया, तो आपके 150 कॉइन्स जो होंगे 500 में से वो एक्सपायर हो जाएंगे, विच यू रिसीव एज वेलकम बोनस, ठीक है। वेलकम बोनस जो होते हैं 500 सिर्फ वही एक्सपायर होते हैं विद इन 7 डेज, वो भी अगर आप लोगों ने जैसे बाय नहीं किया, सेल नहीं किया तब, ठीक है। वीडियो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना, ओके। ऑल अदर कॉइन्स दैट यू हैव अर्न लेटर विल नॉट एक्सपायर, मतलब जैसे आपने किसी को रेफर किया या किसी के रेफरल से जो डाउनलोड किया, वो वाले कॉइन्स हमारे एक्सपायर नहीं होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने पूछा, द कॉइन्स आई हैव अर्न फॉर इन्वाइटिंग समवन विल नॉट एक्सपायर, उन्होंने खुद वहाँ से कहा, नो ओनली द रजिस्ट्रेशन कॉइन्स विल एक्सपायर, जो आपको 500 कॉइन्स मिले हैं ना सिर्फ वही एक्सपायर होते हैं, ठीक है। और फिर मैंने इनसे दोबारा से कन्फर्म किया, वॉट इफ आई हैव अर्न कॉइन्स फ्रॉम समवन रेफरल, तो उन्होंने क्या कहा, रेफरल कॉइन्स विल नॉट एक्सपायर, ओनली रजिस्ट्रेशन कॉइन्स विल एक्सपायर, ठीक है। सो मैंने उन लोगों से बहुत बारी कंफर्म की, तो आप लोग देख लो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कॉइन्स जो होते हैं सिर्फ वही एक्सपायर होते हैं, सिर्फ वही वही वही, और कुछ यहाँ से आपके कॉइन्स जो होते हैं दूसरे रेफरल से या कैसे भी, वो वाले आपके एक्सपायर नहीं होते हैं, ठीक है। आई हैव वन मोर क्वेश्चन, मैंने उनसे फिर से कहा, तो उन्होंने उनसे मैंने कहा, हाउ मच कॉइन्स विल समवन रिसीव व्हेन आई रेफर समवन, तो मैंने उनसे देखो यहाँ से पूछा, तो उन्होंने क्या रिप्लाई किया, ऑन रेफरिंग योर फ्रेंड, जैसे कि मैंने किसी फ्रेंड को रेफर किया तो उनको 20 कॉइन्स एक्स्ट्रा मिलते हैं व्हेन दे साइन अप थ्रू योर कोड एंड यू गेट 80 कॉइन्स। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा यहाँ से कि कॉइन्स कब एक्सपायर होते हैं, कैसे और क्या प्रोसेस होता है।
एक और क्वेश्चन मैं यहाँ से आपका क्लियर कर दूं कि आपको जैसे कि सेल करना है अब रुपीज़ में, तो रुपीज़ में सेल करने के लिए ये मैंडेटरी है कि आप दो प्रोडक्ट को पहले कॉइन्स में सेल करो, कॉइन्स में उसको सेल करोगे फिर उसके बाद आपको उस पर 4+ रेटिंग, जो कस्टमर होगा आपका, जो बायर होगा उसकी तरफ से 4+ रेटिंग मिलनी चाहिए, तभी आप फिर रुपीज़ वाले सेक्शन पे जाते हो, मतलब कि रुपीज़ में फिर सेल कर पाओगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझा रही हूँ मैं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा सब कुछ। ठीक है, उसके अलावा अब मैं बात करती हूँ पैकेजिंग कैसे करनी होती है आपको जब भेजना है कोई सामान। जैसे मैं सेल करती हूँ वैसे अगर आप भी सेलर हो तो आपको जस्ट पैकेजिंग जो है खुद से करनी होती है। ठीक है, पैकेजिंग आप खुद से करो, सामान जो होता है पैकेजिंग का काफ़ी ज़्यादा मतलब अफोर्डेबल आता है, आप उसको बाय कर सकते हो किसी भी शॉप से ऐसे भी। ठीक है, सो आप कोई सा भी, जैसे अगर आपके घर पे बॉक्स है उस बॉक्स को लो, कार्डबोर्ड बॉक्स है आपके पास। ठीक है, रैपिंग के लिए क्या करो, सामान आपको रैप करना है कोई ताकि सामान हमारा टूटे ना, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो कि आप ना बबल रैप ले सकते हो। ठीक है, बबल रैप से उसको रैप करो फिर उसको उस बॉक्स में डालो अच्छे से ताकि सामान हमारा टूटे ना बिल्कुल भी। देन उसके बाद इनवॉइस का बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि हमारा जो इनवॉइस है वो हम कैसे, क्या हम खुद प्रिंट करवाएंगे या फिर जो कुरियर वाले होते हैं वो खुद प्रिंट करते हैं। देखो, मैंने पहला पार्सल अभी भेजा था एंड मैंने प्रिंट नहीं करवाया। आपको ना दो ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप प्रिंट करवाओ हमारा इनवॉइस, ठीक है, एंड दूसरा होता है राइट मैनुअली। राइट मतलब लिखो, मैनुअली मतलब खुद से। ठीक है, सो आप खुद से लिख के भी आप कर सकते हो। तो मैंने फर्स्ट टाइम ही जब मैंने भेजा है तो मैंने राइट मैनुअल वाला सिलेक्ट किया, क्योंकि ठीक है उसके अंदर क्या लिखना होता है, जस्ट आप कोई सा भी प्लेन पेपर लो एक, उसके ऊपर आप जिसका, जिसने बाय किया ना, बायर जो है उसका नाम लिखना होता है हमें एंड उसका ट्रैकिंग आईडी। ठीक है, ट्रैकिंग आईडी एंड ये बायर का नेम आप कहाँ से लाओगे, जैसे कि आपकी आईडी से बायर ने कुछ बाय किया तो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि आपका सामान जो है किसी ने बाय किया है, देन आपको उसके ऊपर ऑप्शन मिलता है कंफर्म का। ठीक है, आप जैसे ही वो नोटिफिकेशन ओपन करोगे या फिर अपना जो ऐप है ओपन करोगे इसको, आपको कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी तरफ से कन्फर्म करोगे तभी आपका जो बायर है उसको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जब तक कन्फर्म नहीं करोगे उसको पता नहीं चलेगा आपने ऑर्डर उसका एक्सेप्ट किया है या फिर नहीं। तो कन्फर्म करोगे आप, जैसे आपने कंफर्म किया ना तो आपको नेक्स्ट डे मेल पे बायर का इंफॉर्मेशन आ जाएगा। ठीक है, बायर का नेम आएगा और उसके अंदर एक लिंक होगा, उसके अलावा आपको वहां पे एक ट्रैकिंग आईडी दिखेगी। ठीक है, नेम जो होता है नेम के नीचे ही आपको ट्रैकिंग आईडी देखने को मिलेगी, वो दोनों चीज, जस्ट आपको वो दोनों ही चीज ही लिखने होते हैं पेपर पे। उसको आप पेपर पे लिखो खुद से, नेम एंड ट्रैकिंग आईडी, चिपका दो उसको सेलो टेप से उसके ऊपर बॉक्स के ऊपर। पहले आप पेपर को पेस्ट करना, उसके ऊपर से सेलो टेप लगाना ताकि बारिश वगैरह हो तो जो आपका पेपर है वो बिल्कुल सही रहे, वो खराब ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पिकअप के लिए आता है डिलीवरी बॉय, क्या उन्हें हमें कुछ पे करना होता है? तो नहीं, आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। ठीक है, आपको जस्ट आपको उन्हें पार्सल हैंडओवर करना होता है, वो लेके जाएंगे एंड उसको बायर तक पहुंचाएंगे। आपको इसमें कुछ भी पे नहीं करना होता है, आपका कोई रोल नहीं होता है इसके अंदर, कुछ भी पे नहीं करना होता। अब जैसे कि आपका सामान सेल हो चुका है तो आप अपनी आईडी में जाना, देखना साइड में सोल्ड दिखेगा, वहां सोल्ड पे टैप करोगे, इस टाइप का पेज आ जाएगा कि आपने जैसे अगर किसी से बाय भी किया है या फिर किसी को सेल भी किया है तो आप यहां पे ट्रैक कर सकते हो। यहां पे आपको सब कुछ शो होगा कि आपका ऑर्डर अभी कहां पहुंचा है एंड बायर को कब मिलेगा। ठीक है, यहां से सब कुछ आप ट्रैक कर लेना। आई होप सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। ये वाली जो क्लिप है अच्छे से देख लेना कि चैट सपोर्ट पे, यहाँ पे सब पे मैंने एरो लगा दिया है ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको कैसे जाके कस्टमर सपोर्ट पे बात करना है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे एरो वगैरह मिल जाएगा आपको ताकि आप जाके उस पे बात कर सको। सो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।